पंजाब केसरी समूह की तरफ से शहीद लाला जगत नारायण जी की याद में करनाल में पंजाब केसरी समूह की तरफ से शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस खास मौके पर पंजाब केसरी समूह के डायरेक्टर अभिजय चोपड़ा पहुंचे और उन्होंने ब्लड डोनेशन कर रहे लोगों का मनोबल बढ़ाया और रक्तदान करने के लिए जनता को प्रेरित किया। इस मौके पर अभिजय चोपड़ा ने कहा कि युवा आज के दौर में नशे की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के युवा नशे की गिरफ्त में हैं। ऐसे में उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा खेलों की तरफ अपना ध्यान दें और समाज हित के कार्य करें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका जो विजन था वो बहुत बड़ा विजन था। अभी तो हम उस पर स्टार्ट ही हो रहे हैं, तो देखते हैं अगले 10 से 15 सालों में उनके कितने नक्शे कदम पर हम चल पाते हैं, तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। सर, अभी सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, मेरा सबको धन्यवाद है जी, दिल से धन्यवाद, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जातिवाद या धर्म या पॉलिटिकल पार्टी ये कुछ मायने नहीं रखता। हम सब इंसान हैं और हम लोगों को जितना हम रक्तदान कर सकें उतनी जाने हम बचा पाएंगे, क्योंकि ये तो भगवान का काम है जी, सिंपल सी बात है। और इसमें किसी को क्रेडिट नहीं जाना, जिसने खूनदान किया है, जिसने रक्तदान किया है, सिर्फ उसको पुण्य मिलना, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि सारा जो रक्त है वो सारे एनजीओज और ब्लड बैंक्स लेके जाते हैं और हॉस्पिटल्स में यूज होता है, लोगों की जानें बचती हैं, तो इसमें तो किसी का कोई है ही नहीं, स्वार्थ ही नहीं है। अभी तक देश में कितने ब्लड कैंप लगा चुके हैं और अगला टारगेट क्या है? जी, अभी तक पिछले साल तक हमने 13,500 यूनिट इकट्ठा किया था, 150 कैंप लगे थे डिफरेंट डिफरेंट शहरों में, कई शहरों में ज्यादा लगे थे, मेरे पास इस वक्त पूरा डेटा नहीं है, बट हम 9 से 10 तारीख के अंदर पूरा एक मेन एडिशन पंजाब केसरी में छापेंगे, कहाँ कहाँ कितना कितना ब्लड इकट्ठा हुआ, कितने कैंप लगे थे। आशा तो यही है ज्यादा से ज्यादा हो जी, तो लोगों को उतना अवेयरनेस जितनी फैलेगी उतना फायदा होगा। देखिए, बहुत ही नशे का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है और रक्तदान से बहुत ही दूर है। खाली पंजाब और हरियाणा में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान को बीमारी लग चुकी है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान कब समझेगा कि ये खाली हमारी बीमारी नहीं है और पूरे हिंदुस्तान की है। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कमी है, हम लोग ना प्री प्लान नहीं करते, हम एडॉक लोग हैं। एडॉक का मतलब होता है जब मुसीबत सर पर आन पड़ती है तब हम सोचना शुरू करते हैं, जब तक हमारे घर में मुसीबत नहीं आती हम नहीं सोचते। मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि जो पंजाब और हरियाणा है जी, वो तो सिर्फ एक रास्ता है ड्रग्स के लिए, नशे के लिए, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से आते हैं। ये नशा जाता कहाँ है? सारा का सारा जहाँ पर पैसा है। पैसा कहाँ है? राजधानी। हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, बट आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा नशा जो कंज्यूमर है वो हमारी राजधानी में निकले। तो अगर सरकार इस बात का एहसास नहीं कर रही है और इसके ऊपर काम सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो इसका नुकसान सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं भुगतेंगे, सारा हिंदुस्तान को सामना करना पड़ेगा। मेरी एक बात, ये मेरा अपना सोचना है, हिंदुस्तान हर कार्य में 20 साल पीछे है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो सोच है, और यही फॉर्मूला नशों में भी अप्लाई होता है। नशे में दुनिया में नंबर वन कंट्री जहां पर नशा खाया जाता है और कंज्यूम किया जाता है वो है अमेरिका। जितना नशा अमेरिका में है दुनिया के किसी देश में नहीं। तो मेरी सारे पाठकों से, जो लोग इसको देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, मैं चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान का भविष्य देखना है तो नशे की खबरें अमेरिका में क्या हो रहा है वो देखनी शुरू कर दें। जब आप अमेरिकन मीडिया में नशे का असर देखेंगे, आपको नजर, आपको अपना भविष्य नजर आएगा हिंदुस्तान, कि हम किस रास्ते पर हैं। क्योंकि अभी हमारे पास नशा आता है कोकेन, एक्सटेसी, हेरोइन, जब अमेरिका है वहां पर अगला लेवल आ चुका है फेंटेनिल। आप फेंटेनिल की खबरें गूगल में देखें या फॉरेन मीडिया में देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, धरती खिसक जाएगी, इतना बुरा हाल है अमेरिका। तो मैं यही समझता हूँ कि जितने हिंदुस्तानी है वो जो मुसीबत आने वाली है हिंदुस्तान की तरफ उससे बचे, अभी इतला हो जाए,
अभी से तैयारी कर ले। अभिजय चोपड़ा ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी और खेल गतिविधियों की तरफ अपना ध्यान लगाने का आग्रह भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर ने जगमोहन आनंद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्वस्व बलिदान दिया, आतंकवाद जब अपने चरम पर था, ऐसे में दृढ़ता के साथ अपने लेखनी के साथ समझौता नहीं किया और अपने प्राण दे करके इस राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे अमर सिंह लाला जगनलाल जी की आज जो 43वीं पुण्यतिथि है, करनाल यूनिट में जो रक्तदान शिविर लगाया है, रक्तदान महादान, इस ऊपर कोई दान नहीं है। तो मैं पूरी पंजाब केसरी की टीम को, उनके चीफ ब्यूरो को, इनकी मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि ऐसे अवसरों पर जब राष्ट्र के प्रति एक सर्वोच्च बलिदान दिया हो और उनकी याद में जब ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है, तो ऐसे असंख्य लोगों की जान बचाने का जो काम इस रक्तदान शिविर के माध्यम से होता है। जगमोहन आनंद ने कहा कि आज पंजाब केसरी समूह की तरफ से जो रक्तदान शिविर लाला जगत नारायण जी की याद में लगाया है, ये एक सराहनीय काम है और जिन लोगों को रक्त की जरूरत होती है उनकी जान बचाई जा सकती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।